बिल्कुल ठीक ठाक हैं और शादाब हो रहे हैं रेडी, क्योंकि हम लोग आज जाने लगे हैं कहीं बाहर, क्योंकि आप लोगों को हमने देना आज सरप्राइज़, और काफ़ी लोगों को हमारे सरप्राइज़ का पहले से ही पता होगा। तो हमारी वीडियो जो है एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। और अभी मैं भी होने लगी हूँ रेडी, और रेडी होने लगी थी तो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना मैं एक स्पेशल चीज़ का रिव्यू दे दूँ। और रिव्यू देने लगी हूँ मैं अपनी बेस की, जो मैं फाउंडेशन लिक्विड फाउंडेशन स्किन पे लगाऊंगी ना, उसका मैं रिव्यू आज देने वाली हूँ लॉरियल का। तो चले मैं आपको फिर दिखाती हूँ और अपना मेकअप का पटारा खोलती हूँ। तो ये है मेरा मेकअप का बॉक्स, जो आप सबको पता है पुरानी वीडियोस में कि ये बाहर से भाइयों ने भेजा हुआ है, ठीक है। और इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैं पहले से निकाल चुकी हूँ यूज़ करने के लिए, और अभी मैं इसमें से ख़ास ख़ास चीज़ें उतारूँगी जो ज़रूरी होंगी। तो ये है जी, इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं पहले से निकाल चुकी हूँ, और ये एक शॉपर है जो मैंने अलग करके रखा हुआ है, ये मैं दिखाती हूँ इसमें क्या चीज़ है। बाकी ये सारा भरा हुआ है डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों से, जो ऐसे ही मैंने फेंकी हुई हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले से दिखा चुकी हूँ, ये यूज़ करने वाली थी आज, वो है ये। इसका रिव्यू आज मैंने देना है आप लोगों को, ट्रू मैच लॉरियल ट्रू मैच, ठीक है। इसका मैं आपको दिखाती हूँ, ये SPF 17 है इसके अंदर, आप इसको धूप में भी यूज़ कर सकते हैं, SPF 17 के साथ है ये, सुपर ब्लेंडेबल है। तो ये दो तरह के हैं मेरे पास, और ये भी लिक्विड फाउंडेशन है, ठीक है। और लेकिन मैं आज मर्ड कॉस्मेटिक्स का नहीं यूज़ करूँगी, आज मैं यूज़ करूँगी लॉरियल का। इसके साथ मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर है, इसके अलावा एल्फ़ का है मेरे पास टू शेड्स हाइलाइटर। और ये देखें जी, शॉपर खुल गया है और इसमें बहुत सारी किस्मों की नेल पेंट्स पड़ी हुई हैं मेरी, ठीक है, जो मैंने कभी यूज़ करने की कोशिश नहीं की है। तो आज मैं थोड़ा सा मेकअप यूज़ करूँगी, बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं यूज़ करूँगी, सिर्फ आपको फाउंडेशन लगा के दिखाऊँगी, लिपस्टिक लगाऊँगी, हाइलाइटर और बस। तो अभी मैं इसको ओपन करने लगी हूँ, क्योंकि ये है सील्ड, ये देखें सील्ड है ये। जी मेरी फाउंडेशन का जो है फाइनल रिजल्ट, तो वैसे मुझे तो अच्छी लगी है काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशन, तो आपको कैसी लगी आप लोग भी बताना। और मुझे लग रहा है थोड़ा सा मेकअप ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं करती, मैं बहुत सिंपल रहना पसंद करती हूँ, तो मुझे लग रहा है कि जैसे आईज़ का थोड़ा सा मेकअप ज़्यादा हो गया। वैसे बेस जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, फाउंडेशन बेस है। और शहज़ाद बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, और इन्होंने अपने हाथों में पकड़ लिया है गोरमे की बोतल पानी लाने के लिए। और कीजिया को मैं थोड़ा सा मूड हो के उसको ज़रा रेडी कर लूँ, तो फिर चलते हैं बाहर, ठीक है। कीजिया हाय कर लो बेटे, आपने भी बोला नहीं आज हाय लोगों को। हाय एवरीवन, कैसे हैं सब? कीजिया ने भी हाय बोला, कीजिया ने बाय बोल दिया ना। मेरा बच्चा तैयार हुआ है ना, मेरे हस्बैंड तैयार हुए हैं, और मैं भी इसलिए तैयार हुई हूँ, मैंने सोचा कि मैंने हल्का फुल्का तैयार होना है, तो मैं ज़रा लॉरियल जो है फाउंडेशन बेस उसका रिव्यू कर लूँ। तो अभी मैं अपनी बेटी को तैयार करती हूँ, फिर चलते हैं बाहर। कीजिया का जो बुग्गा वॉश हो गया है, अब हम करेंगे शॉर्टी चेंज। और इसके बाल ना ऐसे ही हैं इसको मैंने थोड़ी देर पहले अभी नहलाया था, तो बाल इसके ऐसे ही रहते हैं, मैंने कंघी भी की थी, इसके बाल सही नहीं होते, ऐसे ही होते हैं। अगर कोई बाल सीधे करने का तरीका है तो बताएं। वैसे मुझे ये वाले बाल बहुत ज़्यादा पसंद है, कर्ली बाल। ओए कपड़े तो चेंज कर ले, कपड़े चेंज कर। लेकिन ना ये वाली सैंडल पहनना बहुत पसंद है किजिया को, ये पिंक कलर की है ना इसके। हाँ ये रेडी, ओए बच्चे चले 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 चलें। तो आपने हमारे साथ आज वीडियो के एंड तक रहना है, क्योंकि हम लोग जो है वो आज क्या करने वाले हैं शादाब, सरप्राइज देने वाले हैं, ठीक है। बाजार चल के बताते हैं आपको, थोड़ी सी हमने ग्रॉसरी करनी है, पानी लेना, और साथ में आपको देना है सरप्राइज। कुंडी लगा दो शादाब, पीछे हो जा, पीछे हो जा, आप तो मत उठाओ ये बॉटल। चले बाय बाय।
देख लो जी हमारे पौधे, आज मैंने बहुत दिनों बाद आपको पौधे दिखाए हैं अपने। और ये हमारी मनी प्लांट देखो कैसे ऊपर जा रही है, बेल मनी प्लांट की। चले बॉटल मुझे दे दे। चले बॉटल पीछे रख दूँ, ये ले बॉटल। हम लोग जौहर टाउन से निकल रहे हैं बाहर, तो सरप्राइज़ हमारा ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सुन के खुश भी होंगे, और बल्कि ज़्यादातर खुश ही होंगे जो हमारे साथ हैं, है ना शहजाद? हाँ, ज़्यादातर खुश। और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बहुत देर से हमें हमारे चैनल के थ्रू जानते हैं, और बात हमने आपको ये बतानी थी और सरप्राइज़ ये देना था कि हमारा चैनल हो चुका है मोनेटाइज। और चैनल मोनेटाइज जो है हो चुका है, हो चुका है। तो मोनेटाइज चैनल जो है वो हमारा हो गया था 4 अप्रैल को, लेकिन जैसे ही मोनेटाइज हुआ ना, उससे अगले दिन जो था ना, मैंने अपना एडसेंस अकाउंट चेंज कर लिया। और एडसेंस अकाउंट जब मैंने चेंज हुआ है ना, तो वो फिर मसला आ गया मेरे चैनल में, तो वो बाद में सेट नहीं हो रहा था। बाद में मैंने बहुत सारे लोगों से रब्ता करने की, वो जो टेक्निकल चैनल्स वाले हैं सर, उनसे बहुत सारे लोगों से मैंने रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। फिर मैंने पूरा महीना जो है वो मैं खुद ही खपती रही, रात एक एक दो दो बजे तक जाग के जो था वो मैंने कोशिश की। और मेरा चैनल आखिर दो मई को एक महीने बाद, पूरे एक महीने बाद जो था वो दोबारा सेट हो गया, मोनेटाइजेशन ऑन हो गई। फिर से दोबारा पॉज हो गई हुई थी ना, तो वो दोबारा मोनेटाइजेशन ऑन हो गई और एड्स भी चलने लग गए। आपने अभी देखा होगा कि हमारे चैनल के ऊपर एड्स चल रहे हैं, तो एड्स चलने का मतलब यही होता है कि चैनल जो है ना वो मोनेटाइज हो चुका है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें मुबारकबाद दे चुके हैं चैनल मोनेटाइजेशन की, और जिन लोगों को नहीं पता है हम उनको भी बताना चाहते हैं कि हमारा चैनल हो चुका है मोनेटाइज। तो हमारे और ये आप लोगों की वजह से ही है, जारी बात है, आप लोगों ने हमें हमारी हेल्प की है, हमारे चैनल को देखा है, वीडियोज़ को देखा है, सब्सक्राइब किया है, तो फिर हमें यहाँ तक पहुँचे। तो आगे भी हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, तो इसी तरह हमारी हेल्प करते रहें। जी बिल्कुल, शहजाद ने बिल्कुल ठीक कहा है, सारा आप लोगों की सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हुआ है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें कभी भी छोड़ते नहीं, कभी नहीं छोड़ते, मतलब कोई अच्छा वक्त हो बुरा वक्त हो हमेशा हमारे साथ चले हैं। तो अभी फिर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि नाम लूँगी तो फिर जिनके नाम नहीं लूँगी उनके साथ तो ज्यादती हो जाएगी, है ना शहजाद? तो सब ने सपोर्ट किया हमें, और हम आप लोगों के बहुत 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 ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। और आगे भी हमें अपनी फैमिली का हिस्सा बना के रखिएगा, और हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से जो है वो हम हमारा चैनल आज मोनेटाइज है, और आप ही लोगों की वजह से, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ऊपर जाएंगे ज़रूर, अगर खुदा ने चाहा। और अभी छोटी सी जो है वो आइसक्रीम पार्टी जो है शहजाद ने दी है मुझे और कीजिया को, तो हम खाने जा रहे हैं आइसक्रीम। तो कीजिया भी सुबह से कह रही थी आइस बोलना आता है, इसको आइसक्रीम नहीं बोलना आता, आइस बोलना आता है। तो अभी हम मोनेटाइजेशन की खुशी में बड़ी वाली पार्टी नहीं कर रहे, तो स्मॉल पार्टी। हाँ, स्मॉल पार्टी या आइसक्रीम पार्टी, आइसक्रीम पार्टी। बड़ी पार्टी हम करेंगे जब हमारी पहली इनकम आएगी, तो तब आप लोगों के साथ सेलिब्रेट हम करेंगे, ठीक है ना शहजाद? हाँ बिल्कुल, अभी तो स्मॉल पार्टी से काम चलाएंगे। बाकी किन किन लोगों को जान के खुशी हुई हमारी मोनेटाइजेशन की, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताइएगा, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। कि शहजाद ये चक्की से आटा लेने गए हैं, और हम आटा हमेशा चक्की से ही लेते हैं। आटा जो होता है ना वो सेहत के लिए अच्छा होता है, आप लोग भी ज़रूर यूज़ किया करें। तो हम लेने आए हैं चक्की से आटा, इसके अलावा हमने गोरमे का पानी लेना है, और थोड़ी बहुत और चीज़ें लेके, और थोड़ी बहुत और चीज़ें लेके उसके बाद हम जाएंगे आइसक्रीम खाने। और चले चले फिर हमारे साथ साथ आ जाए। कोरोना का लॉकडाउन लगा हुआ है, और बाज़ारों में रश इतना ज़्यादा देखने में आ रहा है,
अब 8 बजे तक जो है ना हुकूमत ने खोल दी है ना शॉप्स, और शॉप्स में बाजारों में यहाँ पे टाउनशिप बाजार में तो इतना ज्यादा रश होता है ना कि यहाँ से गुजरना मुश्किल है। अब ये देखो गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं और गुजरना मुहाल है, हम खड़े हैं। जो आइसक्रीम की न्यू शॉप खुली है अभी, तो यहाँ पे हम उस दिन भी आए थे, इनका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये न्यू शॉप है, टाउनशिप में है, और ये BFC जो टिक्का है ना, BFC टिक्का के बिल्कुल पास है ना। वैसे मशहूर आइसक्रीम जो है ना वो चमन आइसक्रीम है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल खाने के काबिल नहीं है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है चमन आइसक्रीम। अगर उसके मुकाबले में गोजरे की शहरियार आइसक्रीम खाई जाए ना, वो उसके मुकाबले में सस्ती भी है, और मैंने शहरियार जैसी आइसक्रीम कहीं नहीं खाई शहजाद, है ना। नहीं उससे अच्छी नहीं है। किसी भी शहर में हम गए हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा शहर है, और लेकिन शहरियार आइसक्रीम जैसी आइसक्रीम हमने कभी नहीं खाई। और चमन आइसक्रीम के रेट्स बहुत ज़्यादा, पर वो अच्छी नहीं है, और इसके रेट्स जो है ना वो बिल्कुल मुनासिब है इनके। और लेकिन ये है कि आइसक्रीम बहुत अच्छी है, हमने उस दिन टेस्ट की थी, आप लोगों को भी दिखा देते हैं। और एक कप कितने का है शहजाद? 50 का है, और डबल स्कूप है। तो ये है हमारी तो ये आइसक्रीम हमारी, तो ये शहजाद की तरफ से हमारे लिए ट्रीट है। और कौन सी पकड़ूं मैं? तो ये हमने सिंपल लिया है, इनके पास जो है वो क्रंच के साथ भी होती है, और आप क्रंची वाली भी ले सकते हैं। अब हमें क्रंची वाली पसंद नहीं है, और यहाँ पे हमारे साथ बच्चे हैं और बच्चा है। हाँ 10 रुपए का फर्क है, लेकिन हमें क्रंच वाली पसंद नहीं है, इसलिए हम सिंपल लेते हैं। और आप भी ज़रूर आइएगा यहाँ पे, अगर आप लोग आसपास के हैं, फैसल टाउन के, मॉडल टाउन के या जौहर टाउन के हैं, तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा। इनकी प्राइस भी कम है लेकिन अच्छी भी है, है ना। बाकी ये है कि हमारे जो लिंक्स हैं, सोशल लिंक्स हैं, टिकटॉक हमने स्टार्ट की है अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए, है ना। यूट्यूब चैनल को बढ़ाने के लिए हमने टिकटॉक स्टार्ट किया है। मुझे बिल्कुल वीडियो नहीं बनानी आती थी टिकटॉक पे, तो मैंने पहली एक वीडियो बना के डाली है, मुझे बताना। आप लोगों को वैसे कमेंट आए थे, अच्छे ही आए थे, तो वो हमने अपने चैनल को ग्रो करने के लिए बनाया टिकटॉक। इसके अलावा आप मुझे मेरे इंस्टा पे जो है अंबर चौहान के नाम से है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक को फॉलो कर सकते हैं, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके सपोर्ट से ही हम आगे जा सकते हैं। बाकी अच्छे अच्छे कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी आज की न्यूज़ जो है वो मोनेटाइजेशन की कैसी लगी। आप कुछ कहना चाहोगे शहजाद? यही कि हमारा चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, और हमें सपोर्ट भी करते रहें, और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। हाफिज़, बाय।